Good evening, welcome to Delight Classes in our session of tenses. Tense पढ़ रहे थे हम लोग और टेंस में हमने स्टार्ट किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस दो तरीके से बनते हैं. एक तरीके का सेंटेंस वो है जिनके एंड में ता है, ती है, ते है और दूसरा जिनका एंड होता है या हूं से. तो हम लोगों ने दोनों तरीके के सेंटेंसेस में देखा था जो ता ती ते से बनता है उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट लिखने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस ई एस एड करते हैं. When subject is plural, we do not add s or es to the verb. जब subject plural होता है तो हम लोग verb में s es add नहीं करते हैं. तो आज हम और डिटेल में जा रहे हैं और ज्यादा प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उन सेंटेंसेस की पहले जो एंड हो रहे हैं ता ती ते से. सो लेट्स स्टार्ट. वह खेलता है एंडिंग विद ता है. वह फुटबॉल खेलता है एंडिंग विद ता है. वह हॉकी खेलता है ता है. वह क्रिकेट खेलता है ता है. वह शतरंज खेलता है ता है. स्कॉश खेलता है ता है. तो अब हम लोग इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने जा रहे हैं. कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग इन सेंटेंसेस को. वह सारी सेंटेंसेस में कॉमन है तो हमने वह की जगह पर लिख दिया ही. उसके बाद खेलता 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 सारे सेंटेंसेस में कॉमन है खेलता तो हम लोगों ने क्या लिख दिया खेलता के लिए ही प्लस प्लेस. हमारे सारे सेंटेंसेस का एंड ता है से है. हमारे सब सेंटेंसेस का स्टार्टिंग वैसे है. सारे सेंटेंसेस में कॉमन फीचर खेलना है तो हमने सबसे पहले सारे के सारे वह की जगह लिख लिया की. खेलने की इंग्लिश हमने लिख लिया प्लेस. तो हमने खेलने की इंग्लिश पहले क्यों लिखा, हमने गेम का नाम पहले क्यों नहीं लिखा. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वो सेंटेंसेस जो ता ती ते से एंड होते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस के वो सेंटेंसेस जो ता ती ते से एंड होते हैं उनमें सबसे पहले हम लोग सबसे पहले अपने फॉर्मूले में लिखते हैं सब्जेक्ट. फिर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर उसके बाद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस या ऑब्जेक्ट लिखते हैं. ठीक है, तो अदर वर्ड्स को इसके बाद में हम लोग लिखते हैं. तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हम इन सारे टेंसेस को इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं. तो ही हमने लिख लिया क्योंकि सारे में सब्जेक्ट ही है. प्लेस लिखा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी आती है. यहाँ प्ले में हमने एस क्यों लगाया, सिंपल प्ले नहीं लिख के हमने प्लेस क्यों लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट ही जो है वो सिंगुलर है इसलिए वर्ब में क्या किया एस का यूज किया. अब हमको बहुत आसान है, हमको थर्ड प्लेस पर क्या करना है, सिर्फ गेम के नाम चेंज करते जाना है, हमारे सारे सेंटेंस सॉल्व हो जाएंगे. वह खेलता है ही प्लेस पर ही खत्म हो गया. उसके बाद हमने दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा बढ़ा लिया, वो क्या है ही प्लेस फुटबॉल. तो बहुत आसानी से ये सेंटेंस भी हमारा सॉल्व हो गया ही प्लेस फुटबॉल. वह हॉकी खेलता है, कुछ नहीं करना यहाँ पर, सिर्फ हॉकी फिल कर देंगे ही प्लेस हॉकी. वह क्रिकेट खेलता है ही प्लेस क्रिकेट. वह शतरंज खेलता है, शतरंज की इंग्लिश होती है चेस. शतरंज की इंग्लिश होती है चेस. तो हम लोग यहाँ पर क्या फिल करेंगे ही प्लेज चेस. उसके बाद लास्ट वाले सेंटेंस में हमारा क्या है, वह स्कॉश खेलता है.
तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने स्क्वॉश के बारे में कोई डिटेल जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त की होगी. सो लेट मी टेल यू द डिटेल अबाउट स्क्वॉश ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस. ही प्लेज स्क्वॉश, S-Q-U-A-S-H, स्क्वॉश. नाउ व्हाट इज अ स्क्वॉश? स्क्वॉश इज अ गेम प्लेड विद रैकेट एंड बॉल. स्क्वॉश इज अ गेम which is played with racket and ball. Two players are there in this game. Two players are there and in a four walled place, in a four walled place squash is played with racket and ball. तो हमारे ये sentences भी complete हो गए. बड़े आसानी से हमने सारे sentence solve कर लिए simple present tense के, जिनका end था ता है से. Where खेलता है, he plays. वह फुटबॉल खेलता है, he plays football. वो हॉकी खेलता है, he plays hockey. वह क्रिकेट खेलता है, he plays cricket. शतरंज खेलता है, he plays chess. वो स्क्वॉश खेलता है, he plays squash. अब आगे आते हैं हम लोग अगले वाले सेंटेंसेस में, जहां लिखने से रिलेटेड बात हो रही है. तो सब्जेक्ट हमारा कोई भी रहे, लिखने की इंग्लिश होती है राइट. लिखने की इंग्लिश होती है राइट, W R I T E. और व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी एड एस टू इट, राइट्स हो जाता है. तो हमारा पहला सेंटेंस है वह लिखती है, ठीक है. तो यहाँ पर प्लस हमने बनाया, इसको हम इरेज कर देंगे. वह लिखती है में वह की इंग्लिश शी हो गई, क्योंकि ती है. और राइट की इंग्लिश क्या हो गई, लिखती है कि इंग्लिश क्या हो गई, राइट हो गई. और राइट में एस लगाया, क्योंकि शी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. वह पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर. तो हमने यहाँ ए लेटर क्यों लिखा, क्योंकि वो पत्र लिखती है, पत्रों को नहीं लिखती. पत्र अगर ढेर सारे होते तो लेटर्स होता, तब ए नहीं लगाते हम लोग, ठीक है. ए लगाया बिकॉज सिंगल लेटर इज देयर. वह निबंध लिखती है, शी राइट्स एन एसे. तो इसी में हमारा आर्टिकल भी रिवाइज हो जा रहा है. आर्टिकल कैसे रिवाइज हो जा रहा है, एसे इज स्टार्टिंग विद ई. एसे इज स्टार्टिंग विद ई, और ई क्या है, वॉवल है, इसलिए इसके पहले एक की संख्या को दिखाने के लिए हम लोग ए का नहीं एन का यूज करेंगे. लेट मी रिपीट इट अगेन. वह निबंध लिखती है, निबंध की इंग्लिश होती है एसे. तो शी, यहाँ पर हमारे सारे सेंटेंस में वह 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 के अंत में लिखती है आया, तो हमने वह की इंग्लिश क्या लिखी, शी लिखी. और ती है से सारे सेंटेंसेस एंड हो रहे हैं, इसलिए इस एमआर का यूज हम लोग नहीं करेंगे. कौन से फॉर्मूले पे ये सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आपका अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. तो हमने लिखा, शी राइट्स एन एसे. एसे के पहले एन लगाया, एक निबंध लिखने की बात हो रही है, और एक के लिए यहां पर इंग्लिश होगी एन. उसके बाद आते हैं, वह कहानी लिखती है, शी राइट्स अ स्टोरी. शी राइट्स अ स्टोरी. तो अ स्टोरी फिर लिखा, क्योंकि कहानी बोल रही है, कहानियां नहीं बोला जा रहा, कहानी बोल रहा है. कहानी मीन्स सिंगल स्टोरी, तो इसलिए स्टोरी के पहले ए लगाएंगे, क्योंकि एक स्टोरी की बात हो रही है. और यहीं पर मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी. स्टोरी की दो स्पेलिंग्स होती है. एक स्टोरी की स्पेलिंग होती है एस टी ओ आर वाई, और एक स्टोरी की स्पेलिंग होती है एस टी ओ आर ई वाई. वन इज एस टी ओ आर वाई एंड द अदर इज एस टी ओ आर ई वाई. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टोरीज? तो पहली वाली स्टोरी जो है हमारी एस टी ओ आर वाई, उसका मीनिंग होता है कहानी. और दूसरे वाले एस टी ओ आर ई वाई स्टोरी का मीनिंग होता है मंजिलें. थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी,
डबल स्टोरी, दो मंजिला मकान को बोलते हैं डबल स्टोरी, तीन मंजिला मकान को बोलते हैं ट्रिपल स्टोरी। तो स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फ्लोर्स, कितनी मंजिलें हैं मकान में, कितने फ्लोर्स हैं, उसको लिखने के लिए उसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं, स्टोरी, S-T-O-R-E-Y। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह लघु कथा लिखती है, लघु कथा इज अ शॉर्ट स्टोरी, शी राइट्स अ शॉर्ट स्टोरी। अगर कथाएं बोला होता शी राइट शॉर्ट स्टोरीज, प्लूरल में आ गए होते हम लोग, लेकिन लघु कथा बोला, कथाएं नहीं बोला, इसलिए कथा मीन्स सिंगुलर, वी आर स्पीकिंग अबाउट सिंगुलर स्टोरी। शी राइट्स अ शॉर्ट स्टोरी, वह एक लघु कथा लिखती है या वह लघु कथा लिखती है। नेक्स्ट हमारा है वह परी कथा लिखती है, शी राइट्स फेरी टेल्स, F-A-I-R-Y फेरी T-A-L-E-S फेरी टेल्स, शी राइट फेरी टेल्स, परी कथा लिखती है फेरी टेल, और अगर कथाएं लिखती है तो फेरी टेल्स। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस के। हमने सेंटेंसेस कुछ बनाए प्रैक्टिस के पर्पस से, और ये वो सेंटेंसेस थे जिनका एंड ता ती ते से हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने फिनिश किया ता ती ते वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के जिनका एंड होता है और हूं से, इनके ट्रांसलेशन के लिए मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था हेल्पिंग वर्ब का यूज करने की हमको जरूरत पड़ती है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हम लोग सब्जेक्ट के साथ इज एम आर यूज करते हैं। इस इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, एम इज यूज विद आई, एंड आर इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग ट्रांसलेशन के साथ साथ कुछ डॉक्टर्स के नाम भी जानने जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू नो व्हाट पर्टिकुलर टर्म इज यूज्ड फॉर द डॉक्टर्स हु ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। तो He is a dermatologist. तो पहले तो हम dermatologist को अलग रख रहे हैं, पहले तो हम अपने sentence को देख रहे हैं। He क्या हुआ? Subject हुआ। वह dermatologist है। It means sentence किससे end हो रहा है से। तो कौन सा tense लगाएंगे? Simple present tense यहाँ पर हो गया। Simple present tense के sentences को English में translate करते समय subject लिखेंगे, is am are लिखेंगे, फिर उसके बाद में आपका ए एम का यूज अगर है तो वो आर्टिकल लिखेंगे, और तब हम अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो फिर से सब्जेक्ट लिखेंगे, is am are लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर ए एम आर्टिकल का यूज आ रहा है वाले पोजीशन में आएगा, है वाले पोजीशन में, क्योंकि सिंगुलर आएगा आपका अदर वर्ड जो भी है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा है वाले केस में, तो वहां ए और एम का यूज करना बहुत जरूरी है। और ए का यूज करते हैं विद ऑल द वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स, और एम का यूज करेंगे जो सारे वर्ड्स वॉवल से शुरू हो रहे हैं उनके पहले। तो मेन टारगेट हमारा क्या है? Translation of sentences which end with है और हूं। ठीक, और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग डॉक्टर्स के नाम भी जान जाएंगे कि उन पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं। तो he is a dermatologist, वह dermatologist है। I am a cardiologist, मैं cardiologist हूं। He is an orthopedist, वह एक orthopedist है। They are psychiatrists,
साइकियाट्रिस्ट हैं। She is a pathologist, वह एक pathologist है। She is a pediatrician, वह एक pediatrician है। He is an oculist, वह एक oculist है। She is a gynecologist, वह एक gynecologist है। ठीक है, तो हम लोग अब ये तो हमने समझ लिया कि हमारे सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन, हमारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन था। अब ये डॉक्टर्स जो हैं ये क्या क्या करते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो डर्मेटोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट रिलेटेड डिजीजेस। ऑर्थोपेडिस्ट बोन्स रिलेटेड डिजीजेस। साइकियाट्रिस्ट ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर। पैथोलॉजिस्ट जो है वो क्या ट्रीट करते हैं, वो पता लगाते हैं डिजीजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। जितने सारे टेस्ट होते हैं बॉडी के, आपके ब्लड से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड और ढेर सारे टेस्ट होते हैं, उसको पता कौन करता है कि क्या बीमारी है, उस डॉक्टर को बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। शी इज अ पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन कौन है, जो बच्चों से रिलेटेड डिजीजेस को ट्रीट करते हैं। He is an oculist. Oculist वो है जो आंख से related disorders को treat करते हैं। She is a gynecologist. Gynecologist कौन डॉक्टर है, जो treatment करते हैं female diseases का। तो आज हमने दो तरीके से simple present tense के sentences का translation सीखा, वो जिनका end ता ती ते से हो रहा था और वो जिनका ट्रांसलेशन क्या है और मुंह से जिनका एंड हो रहा था। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग, गुड बाय। एंड बिफोर लीविंग, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।